नमस्ते बच्चों, अभ्युदय विद्यास्थली ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं वैशाली सोनी आज आप लोगों को वसंत भाग एक का पाठ 8 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है ऐसे ऐसे। इस पाठ के लेखक हैं विष्णु शर्मा जी। कौन है विष्णु शर्मा जी? जिनका जन्म 21 जून 1912 में हुआ था, 21 जून 1912 में, और इनकी मृत्यु हुई 11 अप्रैल 2009, 11 अप्रैल 2009। ठीक है, ये तो हुआ लेखक का परिचय। अब आप लोगों को मैं कुछ बताऊंगी कि जैसे समर वेकेशन लगता है, तो आपको क्या अच्छा लगता है? खेलना, मस्ती करना, टीवी देखना, मामा के यहाँ जाना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा नहीं क्या लगता है? पढ़ाई करना, हॉलीडे, होमवर्क करना, ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता। मम्मी पापा सब आपसे कहते रहते हैं बेटा कर लो कर लो, परंतु आप नहीं करते हैं। और फिर लास्ट मोमेंट पे जब स्कूल खुलने वाला रहता है तो एक दो दिन के अंतराल से करेंगे, और कुछ बच्चे तो वो भी नहीं करते हैं। तो ये पार्ट भी कुछ ऐसे ही एक बच्चे का है जिसने होमवर्क नहीं किया है। तो आज हम पढ़ेंगे इस पार्ट में, ये पार्ट जो है ऐसे ऐसे, जो विष्णु प्रभाकर जी हैं उन्होंने एक एकांकी लिखी है। एकांकी मतलब एक नाटक। तो इस एकांकी के कुछ पात्रों के नाम दिए गए हैं यहाँ। मोहन, मोहन एक विद्यार्थी है, ठीक है। दीनानाथ जी उनके पड़ोसी हैं, मोहन की माँ, मोहन के पिताजी और मास्टर जी, मोहन के मास्टर जी। फिर बीच में वैद्य आते हैं, डॉक्टर आते हैं और पड़ोसी ने आती है, ठीक है। तो ये इनके प्रमुख पात्र हुए। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। मोहन एक जो विद्यार्थी हैं वो क्लास 3 में पढ़ता है। कौन सी क्लास में? 3 क्लास में पढ़ता है। छुट्टियां लगती हैं, होमवर्क किया नहीं है, पूरा जो समर वेकेशन था पूरा छुट्टियां उन्होंने खेल में मस्ती में बिताई। और अपनी क्लास का सबसे शैतान बच्चा था वो, सबसे शैतान बच्चा था। अब एक बार क्या हुआ, घर पर बैठा था तो बैठे बैठे माँ से कहता है, माँ पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ परेशान हो गई कि ऐसे ऐसे क्या होता है, ऐसे ऐसे क्या होता है। मोहन के पिताजी से पूछती है। आज वो मोहन के पिताजी के साथ उनके ऑफिस गया था तो वो पूछती है कि आपने मोहन को कुछ अंट शंट खिलाया क्या? अब आपको ये बता दूं कि ये जो एकांकी की जो भाषा है बहुत ही सरल भाषा है, जो आसानी से आपको समझ में आ सकती है। तो पिताजी कहते हैं, नहीं वहाँ तो उसने कुछ भी नहीं खाया, उसने सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। दिन भर इस ऑफिस में कूदता रहा, मस्ती करता रहा और अचानक कहने लगा कि पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। माता पूछती, कैसे, ऐसे ऐसे क्या होता है? अब पिताजी पूछते हैं, पेट में कुछ चाकू सा चुभता है, गोला सा फूटता है? बोला, नहीं। जवाब में बस सिर्फ एक ही बात होती, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ हंसी करती है, हंसकर बोलती है, दुख का दुख और ये ऐसे ऐसे क्या होता है, कुछ समझ में तो आए। परंतु अब मोहन ने तो एक रट लगा रखी थी, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। खूब कराहता, खूब रोता चिल्लाता। पिताजी कहते हैं, एकदम सफ़ेद पड़ गया है, खड़ा नहीं रह सकता, बस नाश्ता रहा, बस में भी नाश्ता रहा, पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसा कहता रहता था। अब माँ पिताजी दोनों बहुत परेशान। फिर पिताजी ने डॉक्टर को फ़ोन लगाया, डॉक्टर साहब से बात की। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि क्या प्रॉब्लम है उसको, बताओ मुझे, कहीं से गिरा था क्या, कुछ खाया था क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार से डॉक्टर बोलते हैं, पिताजी कहते हैं, आप तो बस घर पर आ जाइए। इसी बीच डॉक्टर से पहले वैद्य आकर चले गए। उन्होंने भी ढेरों सवाल पूछे उनसे कि क्या हुआ। उन्होंने पूछा कि पेट खराब है, कुछ खाया तो नहीं है। फिर माँ से पूछता है कि तुमने उसे हींग, चूर्ण, पिपरमेंट आदि कुछ दिया है? तो माँ बोली, सब दे चुकी हूँ। तो वैद्य ने एक पुड़िया दी और कहा कि ये आप उसको दे दें। अब डॉक्टर से जब बात होती है तो डॉक्टर साहब फ़ोन रखते हैं। इतने में फ़ोन रखने के बाद उनके पड़ोसी आ जाते हैं।
पड़ोसी आते ही तो मोहन जोर जोर से करांचता है, माँ ओ माँ, उल्टी आती है, और नीचे झुक करके ओ ओ करता है, उल्टी करने का ड्रामा करता है, फिर वापस लेट जाता है। माँ कमर सहलाती है और कहती है, हो गया बेटा, दोपहर में भला चंगा था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब ऐसा पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पे उठाए रखता है, शैतान तो था ही वो मोहन बहुत। अब दीनानाथ जी हैं जो कहते हैं, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, इसे छोड़ो उसे इसे छेड़ उसे पछाड़, इसको मुक्का उसको थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं बस मोहन ही मोहन दिखता है। पिताजी कहते हैं, हाँ बड़ा नटखट है। माँ, पर बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर लग रहा है कल स्कूल कैसे जाएगा, अब स्कूल का नाम सुनते ही मोहन के पेट में तो और दर्द उठने लगता है। दीनानाथ जी कहते हैं, जी हाँ बड़ी तकलीफ लगती है, तभी तो पड़ा है, मामूली तकलीफ को तो वो कुछ समझता ही नहीं। कोई डर नहीं, वैद्य जी से कह आया हूँ, वे भी आकर ठीक कर देंगे। मोहन के पिताजी तेजी से कराकर, रे अरे रे ओहो, माँ घबरा कर, अरे बेटा क्या हुआ। बस ऐसा ही चलता रहा, माँ बच्चे को मोहन को पुचकारती रही, मोहन पेट दबाता रहा, दर्द से कराहता रहा। अब वैद्य जी आए थे, उन्होंने मोहन को दवाई दी और कहा कि आधे आधे घंटे से दवाई देते रहना गर्म पानी के साथ। अब वैद्य जी को जैसे ही वैद्य जी जाने लगे, पिताजी ने वैद्य जी को 5 रुपये का नोट निकाल कर दिया और कहा कि आप इसे रख लीजिए। तो वैद्य जी, अरे अरे इसकी क्या ज़रूरत है, और करके उन्होंने जेब में रख लिया। वैद्य नोट ले लेते हैं और जैसे ही वैद्य जी जाते हैं, डॉक्टर का प्रवेश हो जाता है, डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर साहब मोहन से बात करते हैं, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी मोहन के पास से उठते हैं, डॉक्टर साहब बैठ जाते हैं। पिताजी कहते हैं, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर डॉक्टर पेट दबाते हैं, देखते हैं, जीभ दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है तो, मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है ऐसे ऐसे, डॉक्टर साहब पूछने लगे। मोहन फिर कराहने लग जाता है। माँ कहती है, बताओ बेटा क्या आपको हो रहा है, कैसे हो रहा है। मोहन, जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताता है, उंगलियों को भीजता है, तबीयत बड़ी ख़राब है। डॉक्टर साहब बड़ी गंभीरता से कहते हैं, हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ, चेहरा बता रहा है, इसे काफ़ी दर्द है, असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कॉलिक पेन तो नहीं है और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। बार बार डॉक्टर साहब पेट को टटोलते हैं। माँ काँप कर, फोड़ा, अरे फोड़ा तो नहीं। डॉक्टर जी कहते, नहीं नहीं फोड़ा नहीं है, ज़रा मुंह खोलना, मुंह खोल के तो जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है, हाँ कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है, कोई बात नहीं दवा भेजता हूँ, कह करके डॉक्टर साहब जाने के लिए तैयार रखते हैं होते हैं और कहते हैं, मेरे विचार से एक खुराक पीने से तबीयत ठीक हो जाएगी, कभी कभी हवा रुक कर आती है और फंदा डाल देती है, बस ऐसी ही ऐठन है, मतलब पेट में कुछ गैसेस वगैरह हो गई है। डॉक्टर चले जाते हैं, मोहन के पिताजी उनको 10 रुपये निकाल कर देते हैं डॉक्टर की फीस, डॉक्टर लेकर चले जाते हैं। सेक तो दूँ डॉक्टर, अब माँ पूछती है, डॉक्टर साहब सेक तो लगा दूँ। डॉक्टर कहता है, हाँ गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है, फिर पड़ोसिन आ जाती है। पड़ोसिन कहती है, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन। माँ, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होगा, लोचा लोचा फिरे हैं, जाने वह ऐसे ऐसे क्या दर्द है, लड़के का बुरा हाल है, ऐसे ऐसे पता नहीं कौन सी बीमारी आ गई है। पड़ोसन, ना जी इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना यह भी कोई नया दर्द ही होगा, राम मारी बीमारियों से तंग आकर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं, वह बात है कि खाना पीना तो रहा ही नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ खाया नहीं, आजकल बिना खाए बीमारी हो जाती है। फिर बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन।
कौन आए हैं? मास्टर जी। मास्टर जी का प्रवेश, सबसे प्रमुख पात्र है मोहन के बाद मास्टर जी। मास्टर जी आते हैं, सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसा ऐसे हो रहा है। क्यों भाई, क्या हुआ? हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया इसे? माँ कहती है, खाया तो कुछ भी नहीं बेचारे ने। माँ, तब शायद न खाने का दर्द है। समझ गया, उसी से ऐसे ऐसे होता है, मतलब खाली पेट भी पेट में गुड़गुड़ होती है ना, तो मास्टर जी ने कहा इसीलिए शायद ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। वैद्य ने और डॉक्टर ने दोनों ने कहा है कि दस्त की दवा दे देंगे। मास्टर, माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वो हो जाती है ना। मास्टर जी पहचान गए मोहन को कि इसको कोई ऐसे वैसे बीमारी नहीं है, जो ऐसे ऐसे कर रहा है ये एक नाटक है। माँ कहती है, सच क्या बीमारी है ये? मास्टर जी, अभी बताता हूँ। अच्छा साहब, मोहन से कहते हैं, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना। सबसे पहले चिंता से मुक्त कर दिया मोहन को कि बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक तो बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है ना, मतलब होमवर्क तो पूरा कर लिया ना? मोहन चुप, कुछ नहीं जवाब देता है। जवाब तो बेटा, मास्टर जी क्या पूछ रहे हैं? माँ कहती है। मास्टर जी बोला, बोलो बोलो। मोहन कुछ देर मौन रहता है और फिर सिर हिलाता है, नहीं है ना, क्या नहीं किया मोहन ने? होमवर्क नहीं किया। अब ये होमवर्क का बुखार था। मोहन जी, सब नहीं हुआ, धीरे से बोलता है। मास्टर जी कहते हैं, शायद सवाल रह गए होंगे। मोहन जी, मास्टर तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? माँ चौंक जाती है एकदम से कि ये होमवर्क ना करने का डर है, ऐसे ऐसे इतना हमें परेशान कर रखा, डॉक्टर बुलाए, वैद्य बुलाए। मोहन सहसा मुंह छुपा लेता है, जो चादर ओढ़े हुए रहता है वो अपने सिर पर ओढ़ लेता है और मुंह छुपा लेता है। मास्टर जी अब हंसकर कहते हैं, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे 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 होने लगा। उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। कितने दिन की छुट्टी मिलेगी? 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए चुपचाप सुनता रहता है। और अब मास्टर जी कहते हैं, अब उठकर सवाल शुरू करिए और उठिए और खाना मिलेगा और पढ़ाई करने बैठ जाइए। अब इतने में जो मोहन के पिताजी डॉक्टर और वैद्य के पास दवाई लेने गए थे, वो दवा लेकर प्रवेश करते हैं, बेचारे परेशान हैं मोहन के पीछे। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है ना? हमारी तो जान निकल गई थी, 15-20 रुपये खर्च हुए सो अलग। पिताजी से की तरफ देखकर कहती है, देखा आपने कैसा बच्चा है अपना, शैतान। पिता चकित होकर बोलते हैं, क्या हुआ क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता है? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का दर्द है। पिताजी कहते हैं करके वो भी एकदम भौचक्के हो जाते हैं और उनके हाथ से जो दवा की शीशी होती है वो छूट जाती है और टूट जाती है और ठगे से बस देखते रह जाते हैं। दीनानाथ जी कहते हैं, वाह भाई मोहन वाह, बड़ा ऐसे ऐसे दर्द हुआ तुमको। और सब एक दूसरे की तरफ देखकर हंसते रहते हैं और खूब जोर से हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। तो ये तो हुई मोहन की कहानी। अब आप अपनी कहानी भी बता दीजिए कि समर वेकेशन में आप सब क्या करते हैं, जब एक साथ अंत में काम न करते हुए आप प्रत्येक दिन कुछ समय निकालकर थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो आपका जो हॉलीडे होमवर्क है, समर वेकेशन का होमवर्क है, वो भी पूरा हो जाएगा और आपके खेल में भी कोई विघ्न नहीं आएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा करके अपना काम करते रहेंगे तो मोहन की तरह आपको बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज हम
हमारा ये ऐसे ऐसे पार्ट ख़त्म करते हैं और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।